इनके रहन सहन का तरीका देखिए आदिवासी समाज का, ये इन कच्चे मकानों में रहते हैं। हालांकि लगातार सरकार दावा कर रही है कि इनको पक्के आवास दिए गए हैं, लेकिन अब तक ऐसा यहाँ कुछ नहीं पहुँचा। ये रसोई है, ये आया है अबू आवास में, बस अभी दिखाइए जरा, ये अबू आवास में यहाँ पे बालू ला करके डाल दिया। गाँव में रोड का दिक्कत है, पानी का दिक्कत, सब कुछ का दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? प्रकाश मुर्मू। प्रकाश मुर्मू, प्रकाश मुर्मू, आप ये बताइए कि ये कौन सा गाँव है? शहरपुरा गाँव है। शहरपुरा गांव है, हाँ। तो इस गांव में ये बताइए, आप विकास की बात करें, ये सब बात करें, पहले तो आप ये बताइए, उससे पहले आप कितना पढ़े हुए हैं? अभी हम 11th कर रहे हैं। 11th कर रहे हैं, हाँ। इधर आइए जरा, 11th कर रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी या प्राइवेट? सरकार में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं, हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। 11th क्लास में, हाँ। और यहाँ पे ये पानी की टंकी भी है, आप देखिए जरा, ये टंकी तो खराब होगी जहाँ तक हमें उम्मीद है। हाँ, खराब है। अब तक हम जितने गांव में सबकी टंकियां हमें खराब भी मिली हैं। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? प्रकाश मुर्मू बताएं। प्रकाश मुर्मू, मुझे ये बताइए इस गांव में विकास पहुंचा या नहीं पहुंचा, और क्या हालात है इस गांव की? अभी तो नहीं पहुंचा है, मतलब अभी तक तो हालत देख रहे हैं आप लोग ही, देख सकते हैं किस तरह है। अभी तक तो कोई मतलब थोड़ा मोड़ा किसी को मिल चुका है, लेकिन सबको नहीं मिला है, और अभी मिला भी नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला, आप लोग देख सकते हैं घर भी, और नीचे तरह रोड भी देख सकते हैं, पानी की टंकी सब खराब है, बस इतने। पानी की टंकी खराब है, हाँ। तो पानी कहाँ से लेने जाते हैं? वहीं चापाकल यहाँ पे एक तो है, वहीं से लाते हैं पानी, वहीं से। अच्छा, अपना घर दिखाइए, पहले घर दिखाते हैं, फिर अम्मा से भी बात करेंगे। अच्छा, ये घर कितना पुराना होगा आपका? अभी मतलब ये घर मतलब 12-15 साल पुराना है। 12-15 साल, हाँ। तो आपने सरकारी फार्म नहीं भरा कोई आवास का? भरा है, अभी मतलब आ रहा है, मिला है, मतलब बालू आया है अभी। इनके रहन सहन का तरीका देखिए आदिवासी समाज का, ये इन कच्चे मकानों में रहते हैं। हालांकि लगातार सरकार दावा कर रही है कि इनको पक्के आवास दिए गए हैं, लेकिन अब तक ऐसा यहाँ कुछ नहीं पहुँचा। ये रसोई है खाना वाना बनाने की, ये सब रहन सहन है गाँव के इन लोगों का। और ये लोग वो हैं जो सरकार पर आस लगा कर रखते हैं। छतें देखिए आप, ये कच्ची छतें हैं और इनसे बरसात में पानी टपकता है। कितने लोग रहते हैं इस घर में? छह जन रहते हैं। तो आप पढ़ाई बाहर करते हैं? हम पढ़ाई बाहर करते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते हैं, हाँ। लेकिन आपको पता है कुछ लोग तो निराश हैं कि यहाँ पर नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं। झारखंड में 500,000 नौकरी का दावा किया था मुख्यमंत्री ने, एक भी नौकरी नहीं दे पाई। अभी तो मिला तो नहीं है, दावा तो किया था लेकिन अभी नहीं मिला है, तो मिलेगा तो अगला बार आएगा तो हम लोग देखेंगे। ये देखिए, कई कच्चे मकान दीवारें टूट रही हैं और कहीं ना कहीं समस्या तो है, और अब दिवाली पे ये लोग इसको रेनोवेट करेंगे। तो अबू आवास का दावा करने वाली ये सरकार आदिवासियों तक ही आवास नहीं पहुंचा पाई है, और जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत दिक्कत का सामना इन लोगों को करना पड़ता होगा। अब यहाँ महिलाएं हैं कुछ, इनसे बात करते हैं। अच्छी है, बताइए जरा, इधर आइए, ये बहन क्या कर रही हैं आपकी? ये सब मतलब वहाँ पे ये मतलब धान रखने के लिए साफ कर रही है। धान रखने के लिए साफ, हाँ। काट के लाएंगे ना तो यहीं पे रखेंगे, यहीं पे झाड़ेंगे, फिर धान को अंदर कर लेंगे, घर में रखेंगे। तो ये धान सब घर में ही लग जाएगा, हाँ। अब ये बराबर में भी आदिवासियों का मकान है, हाँ। आदिवासियों का घर है, हाँ। तो ये भी कच्चा है? ये भी कच्चा है। इनको भी कुछ नहीं मिला पक्का मकान वगैरह? नहीं मिला है। ये आया है अबू आवास में, बस अभी दिखाइए जरा, ये अबू आवास में यहाँ पे बालू ला करके डाल दिया। तो ये पैसा आपके पास आया था कि मुखिया के पास आया था? मुखिया जी के पास। पैसा मुखिया के पास आता है? मतलब पैसा नहीं आया है, मुखिया जी केवल बालू गिरा दिए हैं, और मतलब पैसा हम लोग के पास ही आएगा, मम्मी के अकाउंट में ही, हाँ। अच्छा, ये कब से फॉर्म भरा हुआ है आपने? मतलब 2 महीना हो गया है, 2-3 महीना। 2-3 महीना, हाँ। 2-3 महीना में बस ये बालू आया है, हाँ। और कुछ नहीं आया अभी? नहीं आया। और बोला इलेक्शन के बाद देंगे? वो नहीं, हम, हाँ, बोला है मतलब पता नहीं देंगे कि नहीं पहले, बाद में। अच्छा, बस ये बालू आया। ये है अबू आवास, दिखाइए जरा, यह है मुख्यमंत्री जी का अबू आवास, आप देख सकते हैं, ये पड़ा है यहाँ पे। अब बात करते हैं इन महिलाओं से कि 1,000 रुपये का दावा करती है सरकार, बहुत दावे करती है अलग अलग। थोड़ा इधर से आ जाइए विक्की, सामने से दिखाएं। आपका क्या नाम है? लीलामणि देवी है। लीलामणि देवी। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग आदिवासी लोग हैं, तो आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं मुख्यमंत्री के? जी, मिलता है। कितने दिन मिला? मिला अभी, ये इलेक्शन चलते नहीं दे रहा है तो हम लोग को मिलता है, मिलता जब है। हाँ, जब भरे हुए तो तब दिया है। जब दिया है, कितनी बार दिया? अभी तो 2 महीना भर के हुआ है, तो 2 महीना मिला है। 2 महीने मिला।
पाँच साल से कुछ सुविधा मिली सरकार की तरफ से? नहीं मिला है, पाँच साल से कुछ नहीं मिला। हर हर जगह हम सुनते हैं कि इलेक्शन आने वाला है, उससे एक दो महीने ही पहले सब कुछ मिल रहा है। आपको पाँच साल से मकान मिला, अबू आवास या कोई पैसा, कोई योजना मिली? नहीं मिली है। नहीं मिली है। अच्छा ये बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं आपके गांव में, पानी की दिक्कत और दिक्कत? गांव में रोड का दिक्कत है, पानी का दिक्कत, सब कुछ का दिक्कत होता है, कुछ योजना नहीं मिला है। रोड का दिक्कत है, क्या दिक्कत है रोड की? रोड तो पूरा गड्ढा हो चुका है। गड्ढा हो चुका है, क्या दिक्कत आती है उससे? दिक्कत कैसे नहीं रहेगा, जब हम लोग गाड़ी घोड़ा नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, कोई बारहवीं बार में कैसे पहुँचेगा गिरडी? वही तो। कब बना था ये, कितने साल पहले बना था ये रोड? कहाँ कितना साल पहले बना हुआ है, चार पाँच साल पहले तो बना हुआ था। बस चार पाँच साल पहले। और क्या क्या दिक्कत है, आप खेती करते हैं, खेती में क्या दिक्कत आती है? खेती में, खेती तो आप भी जाती होंगी ना खेत में? हाँ जाएंगे। क्या क्या दिक्कत आती है खेती में? खेती में क्या दिक्कत रहेगा, अपना खेत है तो खेती नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या? रोजगार है कोई गांव में? रोजगार तो नहीं दिया है, कोई रोजगार नहीं दिया। नहीं। आपका बच्चा पढ़ रहा है आगे, रोजगार की दिक्कत होगी फिर तो क्या करेंगे, रोजगार का दिक्कत तो किसी रकम से हम लोग चलाते हैं। गाँव में अस्पताल? अच्छा ये बताइए, जैसे महिला कोई गर्भवती महिला होती है ना, उसको अस्पताल की ज़रूरत होती है एकदम इमरजेंसी में, तो अगर ऐसा कभी हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग का जो आंगनबाड़ी में उन लोग रहता है, उन लोग को बुलाते हैं, गाड़ी बुला के उन लोग ले जाता है गिरडी अस्पताल। गिरडी अस्पताल, गिरडी अस्पताल जाने में कितना समय लगता है? लगता है कितना लगे, एक घंटा, आधा घंटा कितने लगता है? आधा एक घंटा तो। लेकिन उसको तो इलाज की एकदम ज़रूरत होती है, तो आपके गांव में नहीं है अस्पताल? नहीं है अस्पताल, तो कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत हो किसी को और उसको तुरंत दिखा सकें? नहीं है, गांव में नहीं है, जब तक गिरडी नहीं पहुंचेगा तो कुछ घर में साधन नहीं है, जाना पड़ता है। और जब तक वहां तक जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तब तक तो आधा एक घंटे में तो मौत भी हो जाती है किसी की? हाँ किसी का हो भी जाते हैं। हुआ ऐसा कभी? हुआ है पहले बार में, होता है। क्या चाहते हैं आप आपके गांव में? ये तो पानी की टंकी भी खराब पड़ी है, दिखाइए भाई टंकी, कह रहे हैं कितने दिन से खराब पड़ा है ये? हो गया तीन महीना। तीन महीना, तो तीन महीने से पानी कैसे भर रहे हैं आप? चपाकल से ला के हम लोग खाते हैं पीते हैं। अच्छा कब लगा था टंकी? लगाया है, हल फिलर लगाया था, लगा के तो एक दो महीना भी अच्छा से नहीं चला हुआ और बंद हो गया। और बंद हो गया, बस लगा हुआ है दिखाने के लिए? बस दिखाने के लिए बनाया। आपने शिकायत नहीं की किसी को? हम लोग शिकायत किए हैं, मीडिया वाला भी आया था, उन लोग भी हम लोग शिकायत किए हैं, कहाँ बना दिया है? नहीं बना तब भी? अच्छा तो ये सारी जमीन आपकी है? हम लोग का नहीं है, जंगल प्लाट है, हम लोग जंगल प्लाट में रहते हैं। अच्छा जंगल उसमें रहते हैं, वो घर जो है आपके वाली आपकी जमीन है। अच्छा और बताइए सरकार से कोई क्या क्या सुविधाएं महिलाओं को यहाँ मिलती हैं? कोई तो हम लोग का कुछ नहीं मिला है, कोई समूह योजना, पैसा, लोन? नहीं लोन भी नहीं लिए हैं हम लोग, कुछ नहीं। क्या क्या होना चाहिए आपके गांव में? आपके पति देव हैं, वो रोजगार कोई करते होंगे? अगर रोजगार रहेगा तो रोजगार करेगा, नहीं रहेगा तो किसी तरफ से हम लोग को तो चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा तो बाल बच्चा तो ऐसे रह नहीं सकेगा, तो हम लोग गिरडी मजदूरी काम करने के लिए जाते हैं। किसको वोट देंगे आप इस बार? जिसको देंगे, जिसे को झारखंड में है उसी को देंगे। मोदी को देंगे, हेमंत सोरेन को देंगे, कल्पना सोरेन को देंगे, जो भी अच्छा लगेगा उसी को देंगे। मोदी कैसे लगते? अच्छा मोदी अच्छा है तो मोदी को देंगे। अच्छा मोदी ने दिया कुछ आपको, राशन वगैरह मिलता है? राशन वगैरह कौन दे रहा है, हेमंत सरकार देता है कि मोदी दे रहा है? खुली हम लोग का राशन, हाँ राशन मिलता है, राशन मिलता है। ये जो आपकी बच्चियां हैं दोनों, इनके लिए स्कूल की कोई व्यवस्था है गांव में, इन्हें भी बाहर जाना पड़ता है पढ़ने? गांव में तो अभी व्यवस्था तो दिया है, लेकिन गांव में तो अच्छा से मास्टर भी नहीं पढ़ाता है। अच्छा से तो मास्टर भी नहीं पढ़ाता, तो बाहर जाएगा तभी पढ़ता है बच्चा लोग, तभी पढ़ता है। आपका क्या नाम है? बताइए तो नाम क्या आपका?
बोलिए तो, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ। एक बार बताइए नाम क्या है आपका? क्या कह रही है? आपका घर वो वाला है, वो वाला दूसरे वाला? अच्छा, क्या करती हैं आप? घर में रहती हैं कि खेत वगैरह जाती हैं? घर में रहे। घर में रहते हैं। ये क्या बनाया हुआ है अपने हाथ पे? ये ले। अच्छा, सरकार की तरफ से मिला कुछ? हाँ। क्या मिला? पैसा। कितना? 1000 टका। 1000 टका। हाँ। कितने महीने से मिल रहा है? 2 महीने से बस। हम्म। 5 साल नहीं मिला? 5 साल से नहीं मिला? नहीं। अच्छा, और क्या दिया सरकार ने? गैस, चूल्हा, पानी, बिजली, सड़क कुछ मिला गांव में? नहीं, नहीं मिला। चलिए बात करते हैं। कितना बार हम लोग भरे लेकिन गैस नहीं दिया। कितनी बार आपने भरा फार्म भरा आपने? हाँ, 3-4 बार हम लोग भरे थे लेकिन नहीं मिला है। नहीं मिला। अब पिताजी कहाँ गए आपके भाई साहब? अच्छा, मुझे लग रहा है वो कैमरा वगैरह देख के चले गए, कुछ लोग डरते हैं। अच्छा, आप बताइए गांव तक अभी सुविधाएं पहुंचने में क्या क्या दिक्कत है? देखिए, सड़क तो हमें दिख ही रही है, वो तो हमने शुरू में भी दिखाई थी, और क्या क्या यहाँ पर पहुंचना, जैसे मुख्यमंत्री की पत्नी यहाँ से विधायक होंगी तो वो इलाका कैसा होना चाहिए आपका गाँव? अच्छा होना चाहिए। अभी है तो अभी सब कुछ बनाना चाहिए था, अभी नहीं बनाए हैं, मतलब बना देंगे तो ठीक है। कब बना देंगे आप? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे? रोजगार के लिए सुविधा होनी चाहिए। सुविधा होनी चाहिए। तो आपका वोट बन गया है? नहीं, मेरा नहीं बना। बनेगा अभी? हाँ, 18 साल के तो हो गए हैं। हाँ, हो गए अभी। तो किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी वगैरह के बारे में सुनते हैं कुछ? हाँ, सुनते हैं। क्या सुना मोदी के बारे में? हाँ, बहुत कुछ सुने हैं, मतलब बहुत कुछ किए हैं। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए आपका वोट बने, मोदी को चुनेंगे, हेमंत को चुनेंगे, कल्पना को चुनेंगे? जो अच्छा देंगे, मतलब अच्छा रोजगार, जैसे कि अच्छा सेवा करेंगे ना देश के, उसी को वोट देंगे हम लोग। उसी को वोट देंगे। हाँ, देश के अच्छा सेवा करेंगे, उसी को वोट देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।